नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती का विज्ञापन जारी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा पूरा कार्यक्रम जारी, मेरिट के आधार पर चयन। यूपी पीसीएस 2021 अपील करेगा यूपी पीएससी। कल तक जारी हो सकता है बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। एसएससी महत्वपूर्ण खबरें। हर परिवार की स्किल मैपिंग कर रोजगार देगी सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो दोस्तों, जितनी अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट आप लोग को मैं ये बताऊँगा कि यूपी ट्रिपल एससी से एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, वह है बाल विकास पुष्टाहार। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया था संपूर्ण, उसमें जानकारी भी दिया हूँ दोस्तों। और उसकी तारीख जो है आप लोगों को बताया गया था कि 3 तारीख से जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्यता उसमें समाजशास्त्र से जो है अगर आपका ग्रेजुएशन है भर सकते हैं, और गृह विज्ञान से जो ग्रेजुएशन है वो भर सकते हैं। केवल महिला अभ्यर्थी ही फार्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको आरक्षण सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जो है जारी हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। यह देखिए दोस्तों, डीएलएड रैंकिंग जारी। 5 अगस्त से शुरू होगी काउंसलिंग। 5 से 7 अगस्त के बीच रैंक 1 से 20 हज़ार तक के अभ्यर्थी भर सकते हैं कॉलेज का विकल्प। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बुधवार शाम को डीएलएड प्रशिक्षण 2022 के लिए अभ्यर्थी की रैंकिंग जारी कर दी गई है। मेरिट के सापेक्ष दाखिले की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 5 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो गई है दोस्तों। जो अभ्यर्थी डीएलएड का फॉर्म भरे हैं, जिनकी रैंकिंग जो है 1 से 20 हज़ार तक है, वह कॉलेज का विकल्प भरें। प्रदेश के 61 कॉलेजों को मिले नए प्राचार्य, 4 अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं। प्रदेश के 61 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय को नए प्राचार्य मिले गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। तो दोस्तों, यह भी बहुत बड़ी अपडेट है। अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आयोग के अध्यक्ष, बोले घबराएं नहीं, हम जीतेंगे। इंटरव्यू शुरू होने से पहले अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने अभ्यर्थियों को किया आश्वस्त। जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं वे भी आयोग पहुँचे। तमाम आशंकाओं के साथ पीसीएस के साक्षात्कार में शामिल होने पहुँचे थे अभ्यर्थी। दोस्तों, इलाहाबाद से खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द किए जाने के आदेश के बाद अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तमाम आशंकाओं के साथ अभ्यर्थी बुधवार सुबह जब इंटरव्यू देने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुंचे तो साक्षात्कार शुरू होने से पहले आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो दोस्तों, यह जो है यूपी पीसीएस का जो है एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, उसको जो है हाई कोर्ट ने रद्द करने का वो दिया है। यह देख सकते हैं दोस्तों, पीसीएस प्री परिणाम रद्द करने के आदेश को चुनौती देगा आयोग। आयोग ने किया दावा, नियमों के तहत की जा सकती है पीसीएस भर्ती। आदेश के बाद की भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू। अध्यक्ष ने कहा, अभ्यर्थी घबराएं नहीं, हम जीतेंगे। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा जो है रद्द करने की बात इसमें कही जा रही थी, तो अब जो है आयोग स्वयं साथ देगा। कल तक जारी हो सकता है बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। जो अभ्यर्थी बीएड की परीक्षा दिए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनके लिए अच्छी खबर है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 अगस्त को जारी करने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय ने अपने शेड्यूल में भी 5 अगस्त को ही परिणाम जारी करने की घोषणा की थी। प्रवेश परीक्षा में प्रदेश भर में 6.15 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। दोस्तों, दानापुर से खबर है। दानापुर में अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली 7 अक्टूबर से है। अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती रैली करेगी। 7 से 23 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती कार्यालय दानापुर स्थित चांदमारी मैदान में की जाएगी। तो जो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन किए हैं वो लोग जरूर इससे का ध्यान जरूर देंगे। दोस्तों, एसएससी की तरफ से खबर है। एमटीएस 2021 की आंसर की जारी है। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 2021 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। इस परीक्षा का समापन 26 जुलाई 2022 को हुआ था।
एसएससी की वेबसाइट पर इसकी उत्तर कुंजी 7 अगस्त की रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस परीक्षा के प्रश्न किसी प्रश्न या उत्तर पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो वह 7 अगस्त की रात 8 बजे तक वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन दे सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को प्रति प्रश्न या उत्तर ₹100 शुल्क जमा करना होगा। केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालय में नॉन टेक्निकल श्रेणी और हवलदार के 7301 पदों को भरने के लिए MTS 2021 की ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जो है करना चाहते हैं, आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, उन वो करा सकते हैं। SSF में भर्ती की बढ़ी आयु सीमा। लखनऊ से खबर है दोस्तों, UPSSF में प्रतिनियुक्त पर आने वाले निरीक्षक, उपनिरीक्षक व मुख्य आरक्षियों को आयु सीमा में छूट देने का निर्णय किया गया है। अब अधिकतम 50 वर्ष आयु के निरीक्षक, उपनिरीक्षक व मुख्य आरक्षी PSC से प्रतिनियुक्त पर विशेष सुरक्षा बल में आ सकेंगे। गृह विभाग ने आयु सीमा के शिथिलीकरण का आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी खबर है। गोरखपुर से न्यूज है दोस्तों, हर परिवार की स्किल मैपिंग कर रोजगार देगी सरकार, मुख्यमंत्री जी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में रोजगार को लेकर किए गए वादे को अमली जामा पहनाने के क्रम में बुधवार को यहां एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी या रोजगार से जोड़ेगी। इसके लिए जल्द ही प्रदेश में सभी परिवारों की स्किल मैपिंग का अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देकर लोगों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, यह मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर में रोजगार मेले के दौरान तिरंगा स्टॉल का निरीक्षण भी किया। अमर उजाला जॉब अलर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। UHSR रोहतक में मौके हैं। सीनियर रजिस्ट्रेंट मेडिकल के रिक्त पद हैं, 234 पद हैं। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थी 12 अगस्त तक कर सकते हैं। दोस्तों, यह रही आज की बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।